हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। वॉट साइंस, मेरे वॉट एवर साइंस के लिए मैसेजेस प्लीज। माई कैंसर्स, स्कॉर्पियोज एंड पाइसिस। स्कॉर्पियो शोइंग अप ऑलरेडी। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ओके, मैं ना आज रीडिंग करते वक्त मैं लिटरली अपना पोजिशन चेंज कर चुकी हूँ, विच टेल्स मी कि आप एक बहुत बड़े शिफ्ट से गुजरे हो, लाइक रियल शिफ्ट, लाइक रियली अ बिग वन। इट्स लाइक आपने अपना पोजीशन चेंज किया है। लाइक आप लाइफ में कहीं पर भी हो, रिलेशनशिप में हो, नहीं हो, जॉब प्लेस, वट एवर इट इज़, कहीं पर आपने एक बहुत बड़ा चेंज को वेलकम किया है। ठीक है, मैसेजेस फॉर माय वाटर साइंस। ओके, यू कैन बी डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो। ठीक है, एक टॉक्सिक फेमिनिन के साथ आप डील कर रहे थे, स्पेसिफिकली स्कॉर्पियो वूमन के साथ। ठीक है, आपकी काफ़ी फाइट हो चुकी है एंड यू आर कॉलिंग इट ऑफ। ठीक है, सो आप वाटर साइन होकर के एक वाटर साइन के साथ आप प्रॉब्ली रिलेशनशिप में थे एंड यू आर लाइक ना आई एम ओवर दिस, मुझसे नहीं होगा। ठीक है, यू आर नॉट टेकिंग एनी लीप ऑफ फेथ। कोई इनलाइटमेंट आपको मिली है, कोई रियलाइजेशन हुआ है आपको इस रिलेशनशिप में रह करके, एंड अब आप वहाँ पर और रहना नहीं चाहते। कोई नए बिगनिंग्स नहीं चाहिए, कोई लीप ऑफ फेथ नहीं लेना है। इट्स लाइक डेड एंड्स। लाइक आपको जो इसके इस पर्सन के बारे में जानना था, समझना था, आप ऑलरेडी समझ चुके हो। इट्स डन, इट्स ओवर। ओके, या यू प्रॉब्ली वॉज मैरिड टू दिस पर्सन। ठीक है, इस पर्सन के बहुत सारे सीक्रेट्स थे एंड आपने अपना कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। दिस पर्सन वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स आई एम हियरिंग, बहुत रिजिड थे। इट्स लाइक आप अकेले इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे सैक्रीफाइस कर रहे थे एंड ये पर्सन पलट के आपके लिए कोई सैक्रीफाइसेस कर ही नहीं रहे थे। लाइक वो सारे एक्सपेक्टेशंस आपसे रख रहे थे कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, वो करना है, और आप कर भी रहे थे। लाइक लिटरली आप अपने आप को कंसिस्टेंटली चेंज कर रहे थे इस पर्सन के ज़रूरत के हिसाब से, उनके डेफिनेशन के हिसाब से आप अपने आप को बदल रहे थे ताकि आप इस पर्सन को खुश कर पाओ। बट इट सीम्स लाइक कुछ भी इनफ नहीं होता इस पर्सन के लिए, एंड जब उनकी बारी आती है कुछ आपके लिए करने की तो दे जस्ट डोंट डू इट। देर आर लॉट ऑफ सीक्रेट्स। ये पर्सन आपसे झूठ भी बोल सकते और बातें छुपा सकते। स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ आपसे छुपाया था एंड इट जस्ट केम आउट फ्रॉम नो वेयर। ठीक है, आई एम सीइंग मोर एलिमेंट्स हियर। आप टॉरस, लियो, वी गॉट पाइसिस, स्कॉर्पियो पहले निकल के आया था, राइट, तब इन साइंस के साथ डील कर रहे थे। योर पर्सन माई बी दी साइंस। ठीक है, या यू लेफ्ट दिस सिचुएशन और यहाँ से निकल के यू आर फीलिंग मोर फ्री। इट्स लाइक ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत बर्डन बन गया था एंड आपके फाइनेंस में भी एक धक्का आपको लगा है इस पर्सन के साथ डील करते वक्त। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट एक्चुअल जो इम्पोर्टेंट बातें होती है ना जानने की, इट्स लाइक वही उन्हीं जगहों पे ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। लाइक देयर वाज एन एलिफेंट इन द रूम। इट्स लाइक एक इशू था आप दोनों के बीच में जो आप एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ है हम दोनों के बीच में जो बहुत ही उलझा हुआ सा है, कुछ है जो प्रॉब्लम हम दोनों के बीच में एक दीवार बन के खड़ी है एंड ये पर्सन उस बारे में बात करना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, एंड यू फाइनली फाउंड आउट कि वो क्या छुपा रहे थे, क्यों उस बात को छुपा रहे थे। ठीक है, एंड इट गिव यू अ हिट एंड आपके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं था। व्हाट वाज दिस पर्सन हाइडिंग फ्रॉम यू, वो क्या हाइड कर रहे थे। ओके, दे वो हाइडिंग दैट उनका वेट, लेट मी गेट अनदर क्लैरिफायर ऑन दिस।
That's an investment in a different place. आपके पर्सन के लाइफ में कोई और भी था जिसे वो आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे? यस, उनका उनका फाइनेंस वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहे थे, उनका फाइनेंस कहीं और जा रहा था. इट्स लाइक आप अगर इस पर्सन के साथ मैरिड थे, ठीक है, वो आपके लिए प्रोवाइड नहीं कर रहे थे पर कहीं और प्रोवाइड कर रहे थे, कहीं किसी और को सपोर्ट कर रहे थे. एंड इट वाज प्रॉब्ली अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पर इट्स लाइक आपको बहुत सफ़र करना पड़ रहा था. आपको वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था. इट्स लाइक एक पॉइंट के बाद आप ही सब कुछ संभाल रहे थे, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, आप ही अपने इस घर को संभाल रहे थे एंड इस पर्सन की तरफ से कोई इनपुट्स आपको दिख ही नहीं रहा था. आई एम हियरिंग कि आप में से कुछ लोग के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते ही ये पर्सन लुप्त हो गए. तो ये यहाँ पर कोई आपको पैसे के लिए भी यूज़ कर रहा था, ठीक है, एंड यू स्टॉप्ड शेयरिंग योर मनी विद दिस पर्सन. ये लिटरली ये पर्सन आपसे पैसे ले रहे थे और कहीं और जा कर के उसे खर्चा कर रहे थे. और इस पर्सन से हटने के बाद यू आर फीलिंग मोर बैलेंस, क्योंकि अब और ये पर्सन आपको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना. एंड यू विल गेन योर बैलेंस बैक, आपका फाइनेंस आपको वापस मिल जाएगा. सो यू आर डीलिंग विद अ यूज़र, राइट. Can we get some more messages for my water signs? Yeah, we have the Cancer and we have the Stealing card. Exactly. You might be dealing with a Cancerian. ये पर्सन आपके तरफ वापस आने की कोशिश करेंगे एक और बार, but इनकी नियत अभी भी वैसी की वैसी है, ठीक है. This is not somebody you can trust. आई फील आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो भी ख़त्म हो चुकी है. लाइक आपका पूरा मन इट्स लाइक इट्स ओवर फ्रॉम योर साइड, ठीक है. या आप हील कर रहे हो इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से. दिस इज किंग ऑफ कप्स रिवर्स. दिस इज समबडी जो अपने इस वक्त आपको अपने इमोशंस को शो करेंगे जस्ट टू गेट यू बैक, ठीक है. बट दिस इज़ अ वेरी इमोशनल मैनिपुलेटिंग पर्सन, ठीक है. दिस कैन ऑल्सो बी एन एक्वेरियस जो ग्रो अप करना चाहते हैं, सेइंग कि आई हैव चेंज्ड एंड स्टफ लाइक दैट, बट आपको यकीन नहीं है इस पर्सन के ऊपर, बिल्कुल भी यकीन नहीं है इस पर्सन के ऊपर. इस पर्सन की असली नीयत क्या है? इस पर्सन की असली नीयत क्या? इस पर्सन की असली नीयत What is this person's real intentions, please? ये पर्सन आपको एक न्यू बिगनिंग ऑफर करेंगे दिल से कि मैं इस कनेक्शन को डिफेंड करने के लिए तैयार हूँ. बट देन दे हैव डिसीशंस जो उन्हें और भी लेने हैं, ठीक है ना. आई फील आप इस पर्सन को अपने अराउंड 3 महीने 3 दिन आपने समय दिया था इस पर्सन को डिसीशन लेने के लिए एंड दे हैव डिसाइडेड टू कम टूवर्ड्स यू. या दे आर मूविंग टूवर्ड्स द क्वीन ऑफ कप्स. अब ये एनर्जी अपराइट हो गई है. We have the magician reverse. This person is playing you. This person is playing you. Listen, आप इस person को अपना perfect magic दो. This is the king and the queen of cups. ठीक है, तो ये आपका past energy हो सकता है. Previously आप दोनों बिल्कुल भी एक पेज पे नहीं थे, ठीक है. But ये person इस वक्त इस relationship पे काम करना चाहते हैं, ठीक है. स्पेशली अगर वो एयर साइन है, लेसन अगर ये एयर साइन है तो ये पर्सन जेन्युइनली इस रिलेशनशिप को डिफेंड करना चाहते हैं.
लाइक दे रियली वॉन्ट टू मेक अप फॉर वॉट एवर हैपन. ये पर्सन आपको एज देयर स्पिरिचुअल कनेक्शन देखते हैं. दे रेकनाइज कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. द इमोशंस आर इन प्लेस. ठीक है. और ये पर्सन लिटरली अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपको ऑफर दे सके. ठीक है. प्रॉपरली इस रिलेशनशिप को टेक ऑन कर सके. इट्स लाइक वो कहीं और भी इन्वेस्टेड थे इसलिए वो आपको प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रहे थे. आपके साथ रिलेशनशिप को बिल्ड नहीं कर पा रहे थे पर अब वो बिल्ड करना चाहते हैं. ठीक है. एंड दे पुट इन द वर्क. आप प्रॉब्ली थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाओगे इस सिचुएशन में से कि आई डोंट नो. या दिस पर्सन इज गोइंग टू ऑफर यू मनी. दिल से कि वो दूसरा वाला जो सिचुएशन था वहाँ से उन्हें वॉकआउट करना पड़ा है. ठीक है. ताकि वो आपकी तरफ मूव कर सके. उन्होंने बहुत लंबा समय उन्होंने लिया है इस सिचुएशन को समझने में, क्लैरिटी पाने के लिए. और वो एक्सेप्ट भी करे कि वो आपको लेकर के जगल कर रहे थे. दिस माइट नॉट बी अनदर रिलेशनशिप लाइक रोमांटिक वाइज. ये उनका फैमिली हो सकता है. लाइक वो अपने घर में पैसे दे रहे थे इसलिए वो आपको अपना टाइम नहीं दे पा रहे थे प्रॉपरली. अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहे थे. या दिस माइट बी जॉब. दिस इज़ वर्क प्लेस. ठीक है. पर उनका इमोशन कहीं और था. उनका फोकस कहीं और था. ठीक है ना. या बट देन दिस इज़ गोइंग टू थ्रो यू आउट ऑफ बैलेंस बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन एनी मोर. आपकी एनर्जी बार बार करके यहाँ पर बहुत डिफेंसिव आ रही है. ओके लेट्स गेट इनटू द न्यू एनर्जीज. व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट की न्यू पर्सन. Is there any new person coming in? Oh wow, we have the Empress upright. My divine feminine energy coming in. आप एक मैस्कुलिन हो सकते हो जो अपने यंग एनर्जी को हील कर रहे हो. डोंट वरी अबाउट दैट. वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड. तो आप एक वाटर साइन होगा कि एक एयर साइन के साथ अगर डील कर रहे थे. आप इस पर्सन को नए चांसेस नहीं देना चाहते बिकॉज ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपके लिए एक चीटिंग था, एक डील ब्रेकर था. ठीक है. यू डोंट वांट इट. आप इट्स लाइक आपके एनर्जी अभी कैसी है पता है. नो नॉनसेंस पर्सन. लाइक मुझे इस तरह का कोई भी नॉनसेंस अपने लाइफ में नहीं चाहिए. यू विल बी थ्रोइंग एनीबडी आउट जो आपको ऐसे किसी भी यू नो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व करना चाहेगा. कैन वी गेट सम मोर इनसाइट ऑन द एंट्रेस प्लीज. आपकी तरफ एक मजिशियन मूव कर रहा है. ठीक है. ओ वाओ यू स्टिल हैव अनदर एम्परर रिवर्स्ड कमिंग टूवर्ड्स यू. दिस माइट बी योर एक्स. ठीक है. जो आपकी तरफ आएंगे एंड दे नो कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है. ठीक है. उनके वजह से आपको बहुत पेन रिसीव हुआ है. वो उस चीज़ को करेक्ट करना चाहते हैं. सो आप इस वक्त यू नो नियर फ्यूचर में यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन वापस लौट के आएगा. सो देयर इज एन एक्स एंड ओल्ड एनर्जी कमिंग बैक. इस वक्त मुझे आप लोगों की एनर्जी में कोई नया पर्सन नहीं दिख रहा है. बस यहाँ पर कार्मिक व्हील अभी भी उल्टा ही पड़ा हुआ है. ये साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है आप दोनों के बीच में. वी हैव द लवर्स रिवर्स. इस पर्सन ने लाइक लिटरली आपको इस वक्त चुना है. प्रॉबली दूसरे लोगों को चेकआउट करने के बाद. Why is this person coming back now? Why is this person coming back now? Oh, they want to start a new cycle. उनका जो contract था दूसरी तरफ वो ख़त्म हो चुका है. And वो एक नया beginning आपके साथ देखते हैं. They see you as their son.
their new beginning. They want to do things by the book right now. Like proper rules ko follow karte hue, you know, 5D wala relationship they want to start off. The sun is the Leo card. We have the Queen of Swords, the Libra card. Three of Pentacles, that's my earth elements coming in. Okay, can we get some more messages on my water signs, please? Some more messages for my water signs, please. My water signs ke liye kuch aur messages, please. She just hit the fan. Okay, so ये person आपके अलावा जहाँ पर भी वो you know involved थे, वो situation का the end हो चुका है, ठीक है ना? ये लिजू भी बोले ये this is like yeah. Give me a second, guys. इस पर्सन की एनर्जी पर बहुत ही रस्टी है, ठीक है, सो बी लिटिल केयरफुल अबाउट दैट. ये पर्सन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आप उन्हें देखना चाहोगे, ठीक है ना? दिस काइंड ऑफ लिटिल मिस्ड अप इस पर्सन की एनर्जी कंपैरेटिवली, ठीक है ना? तो वो एक साइकिल को क्लोज डाउन करके आपके पास आ रहे. इट वाज अ चॉइस जहाँ पर उन्हें वो थर्ड पार्टी और आपके बीच में उन्हें चूज करना था. दे नो द ओल्ड यू, नॉट द न्यू यू. या यू हैव चेंज, लाइक आई सेड, आप चेंज हो चुके हो. एंड इट्स वक्त, इट्स लाइक आपसे बात करना भी इस वक्त बहुत मुश्किल होने वाला है, बिकॉज पहले जैसे आप उनके लिए एक स्पेस होल्ड करते थे ना, वो स्पेस और आप होल्ड नहीं कर रहे. यू प्रॉब्ली यू आर लाइक कम्प्लीटली मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन. फाइनली आपने साइकिल क्लोज डाउन करके आप मूव ऑन करना आपने स्टार्ट कर दिया. आई ड्रीम ऑफ यू ऑल द टाइम. ये पर्सन कंसिस्टेंटली आपके बारे में, उन्हें सपने आ रहे, लाइक यूनिवर्स उन्हें नच कर रहा है. हैव यू एवर फेल्ट रियली क्लोज टू समवन, सो क्लोज दैट यू कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू हैव अ सेपरेट बॉडी, सेपरेट स्किन. सो या ये पर्सन आपको अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरह वो देखते हैं, लाइक दे नो यू, यू गाइज हैव सम हाई लेवल सोल मेट, ट्विन फ्लेमिंग कनेक्शन. And ये future, this is like within 6 months, 6 weeks, 6 months के अंदर आप यहाँ पर proper action इस person को लेते हुए देख सकते हो. My father told me to leave you. So इस person के father ने इन्हें आपको abandon करने के लिए कहा था. We have the unicorn spirit coming in. इसे प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा, ठीक है. वी हैव द थर्ड आई, बट आप सिचुएशन को पहले ही देख चुके, आपको पता है कि उन्होंने, इट्स लाइक बार बार करके ना ये पर्सन अपने फादर की बात को मान लेते हैं. इनके फादर ने अगर इन्हें कुछ गलत बातें सिखाई थी अबाउट मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स, यू नो, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक फेमिनिनिटी, कुछ डर उनके मन में यू नो बैठा दिया था कि सारे औरतें ऐसी होती है, सारे मर्द ऐसे होते हैं, ऑल दैट स्टफ. तो ये डर के मारे ना बार बार करके अपने फादर में जाकर के कन्फाइड करते हैं कि क्या मुझे इस पर्सन को मौका देना चाहिए, यू नो, आई लाइक दिस पर्सन. और हर बार इनका फादर कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी बातें कह के आपके पर्सन के लाइफ से ना प्यार को लुप्त कर देते हैं. लाइक एनीबडी जहाँ पर इसके फादर को लगता है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल वो खो रहे हैं, वहीं पर ही वो अपने अपने बेटे को या अपनी बेटी को एनर्जी विड्रॉ कर लेने के लिए कहते हैं. सो एंड वो हर बार अपने फादर की बात को ही सुनना चुन लेते. आपको इस बारे में ऑलरेडी पता था दैट दे मेक द सेम स्टूपिड कार्मिकी
टॉक्सिक डिसीशन एवरी सिंगल टाइम. इट्स अ पैटर्न विद दिस पर्सन कि वो जानते हैं कि उनके फैमिली में इस बारे में पता चलते ही चीज़ें बिगड़ने लग जाती बिकॉज उनका फादर उन्हें इमोशनली मेंटली बहुत मैनिपुलेट करते हैं. बट दिस पर्सन स्टिल मेक्स दैट सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन. और इस बार वो इस चीज़ को रिकग्नाइज कर रहे हैं एंड दे आर नॉट चूजिंग टू लिसन टू देयर फादर राइट नाउ. फेक पीचर्स आर मिनियंस ऑफ द डेविल हु ऑलवेज मिसगाइड. एग्जैक्टली, उनका फादर एक फेक प्रीचर है. वो जो सिखाते हैं उसे वो खुद भी नहीं मानते. वो सिर्फ अपने बेटे को कंट्रोल करने के लिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. बेटा बार बार करके मैं बेटा कह रही हूँ. सो यू माइट बी अ डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में जानना चाहते हो. वी हैव फ्रेंड्स. सो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स को भी इस बारे में पता है. उन्होंने आपके फ्रेंड्स को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व किया हुआ है. वी हैव चूजिंग हैप्पीनेस. आपके फ्रेंड, उनके फ्रेंड्स उन्हें एडवाइस कर रहे हैं कि वो अपना अपनी खुशियों को चुने. जहाँ पर उनका दिल है, जहाँ पर उनकी खुशियाँ हैं, वो उस डायरेक्शन में जाए. वी हैव फ्रेंड जोन. ठीक है, तो इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन भी किया होगा. ठीक है, कि वी कैन बी इन अ रिलेशनशिप क्योंकि मेरी फैमिली इसे सपोर्ट नहीं करेगी. लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स. ठीक है ना, वी हैव डिसकनेक्टेड. एग्जैक्टली, ये एक इंसल्टिंग सिचुएशन था बॉस आपके लिए. वी हैव अ साजी. तो आपका पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हैं. आई गॉट अ रीडिंग डन. तो आपका पर्सन आपके ऊपर रीडिंग भी ले रहे हैं. वी हैव रन और ये रिवर्स आया था. तो दिस पर्सन हैज स्टॉप्ड रनिंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप दैट यू हैव, दिस कनेक्शन दैट यू हैव. वी हैव द लेटर आर. वी हैव पनिश्ड. आपका पर्सन दे फील लाइक देव बीन पनिश्ड. आपसे दूर होना उनके लिए एक सज़ा थी. ठीक है, लाइक इट्स लाइक वो अपने खुद के फादर से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने क्यों मेरे मुझे मिसगाइड करके मेरे इस किस्मत में इतनी बड़ी एक सज़ा लिख दी. लाइक वाई डिड यू डू दिस टू मी. आई फील इनके फादर के साथ इनका एक ज़बरदस्त फेस ऑफ हुआ है. ठीक है ना, एंड दे आर रिमूविंग themselves फ्रॉम दिस फादर और दिस फादर फिगर जिसकी वो बात हमेशा मानता है. वी हैव कुसुम. वी हैव नंदिता. वी हैव बैड हेल्थ. तो आपका पर्सन लिसन, ये जो फादर फिगर है आई एम हियरिंग, ये इस वक्त अपने हेल्थ को लेकर के नाटक करेंगे कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, यू नो मुझे अपने बेटे की ज़रूरत है, तो इस टाइम पे मुझे अबैंडन नहीं कर सकता. यू नो द इमोशनल ब्लैकमेल अर्नर. ये पर्सन लिटरली यू नो सेहत ख़राब होने का नाटक करेंगे इस वक्त. आई एम हियरिंग वी हैव द डॉग स्पिरिट कमिंग इन. तो आपका इस पर्सन का कोई फ्रेंड लाइक डॉग फ्रेंड हो सकता है, पेट हो सकता है, या दिस इज़ जस्ट योर डॉग एनिमल स्पिरिट स्टेपिंग इन. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मैस्कुलिन एनर्जी. सो यू माइट बी वेरी वेल डीलिंग विद द मैस्कुलिन एनर्जी, या फिर आप वो मैस्कुलिन हो जिसके लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रखी है इस वक्त. वी हैव द पार्टिसिपेशन. या यू आर ट्राइंग टू बैलेंस आउट. ठीक है ना, चीज़ों को आप बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो. और ये पर्सन, ये जो फादर फिगर है आपके पर्सन के लाइफ में, वो बार बार करके उन्हें स्पिरिचुअल पाथ पे जाने से रोक रहे. सी बोथ द स्पिरिचुअल कार्ड्स उल्टा है. सो दिस फादर इज एन हिंड्रेंस. वो उन्हें थर्ड डायमेंशन में बांध के रखने की कोशिश करते हैं और आप उन्हें हायर लेवल पे लेकर के जाते हो. एग्जैक्टली, वी हैव द इंटेंसिटी. इस पर्सन के लाइफ में ना एक ज़ोरदार ट्रांसफॉर्मेशन आया. जैसे आप ट्रांसफॉर्म हुए हो ना, इस पर्सन के लाइफ में भी रिसेंटली एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आया जहाँ पर दे गॉट अ वेरी गुड वेकअप कॉल. ठीक है, उन्होंने अपने फादर की बात मान के कहीं और इंगेजमेंट भी कर दी होगी. आई एम हियरिंग या वी हैव द साइलेंस. एग्जैक्टली, वहाँ पर सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया आपके पर्सन के लाइफ में. सम मोर मैसेजेस फॉर माई कैंसर्स प्लीज. आई एम हियरिंग कि दिस वॉज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू इन द सेंस कि इस रिलेशनशिप में रह करके आपको अवेकनिंग मिली है.
या दिस पर्सन वॉज वेरी कंट्रोलिंग, इसका फादर इसको कंट्रोल करता और ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, विच वॉज अ डील ब्रेकर फॉर यू. We have the consciousness and we have possibilities. आप अपने spiritual path पे चल रहे हो. ठीक है, आप एक नए सवेरे की तरफ already move कर चुके हो and we have the new vision. ठीक है, ये person ना बार बार करके एक नई शुरुआत पाने की कोशिश कर रहे हैं पर उन्हें मिल नहीं रहा है. ठीक है ना, दूसरी तरफ आप एलिवेट किए जा रहे हो. इट्स लाइक लिटरली एंजल्स आपको अपने गोद में उठा करके नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा रहे हैं. एंड देर आर सम रिकवरीज. आपका हेल्थ अगर पिछले कुछ दिनों में ठीक नहीं था या इस पर्सन के साथ डील करते वक्त आपका हेल्थ बिगड़ गया था, यहाँ पर आप अपने हेल्थ में रिकवरी देखोगे. ठीक है, देर आर फाइनेंसिस दैट इज़ कमिंग बैक. तो अगर आप कुछ वक्त के लिए जॉब से आपने ब्रेक लिया था इस पर्सन या इस पर्सन के साथ रहने के बाद आप समहाउ अपना जॉब आप नहीं कर पा रहे थे, यू नो यू लेफ्ट वर्किंग और समथिंग लाइक दैट, और ये पर्सन कंट्रोलिंग होने के नाते उन्होंने आपके आपको अपने ऊपर कोडिपेंडेंट बना लिया होगा समहाउ, तो आप वापस से अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पर. ठीक है, और आपको यहाँ पर बहुत सारा सक्सेस मिलेगा बॉस. You're on the correct path, cancers. Just keep moving forward, cancers I said. So ये specifically किसी cancer के लिए message था. Cancer, Pisces and Scorpios. Take help from your friends. आपके friends कुछ नए job offers के बारे में वो आपको बता सकते हैं जो आपके लिए बहुत beneficial होगा. ठीक है, आई एम हियरिंग आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बॉस. ठीक है ना, एग्जैक्टली. इट्स जस्ट दैट कि प्रॉब्ली अपने नए फैमिली लाइफ को टाइम देने के लिए इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को नर्चर करने में आपने कहीं ना कहीं अपना करियर पीछे छोड़ दिया था, अपना ध्यान रखना अपने छोड़ दिया था. एंड अब आप जा कर के अपने आप को यू नो फीनिक्स की तरह यू वेंट थ्रू दिस रीबर्थ. ठीक है, ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है और अब आप एक नए बिगनिंग की तरफ मूव करने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो. एग्जैक्टली, इस पर्सन के लाइफ में इस वक्त कोई गाइडेंस नहीं है. ठीक है, दिस पर्सन हैज़ बीन वेरी एरोगेंट. इस पर्सन को पैसे का बहुत घमंड रह चुका है. ठीक है ना, द फैक्ट कि ये पर्सन आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट हैज़ इट्स लाइक आपका अपने आप को चुनना इस पर्सन को एक अच्छा खासा वेकअप कॉल दिया. ठीक है ना, एंड ये पर्सन आपको वो आपके वैल्यू को समझ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग द एरर्स ऑफ देयर वेज, वो चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, बट इट्स गोना टेक सम टाइम, दे आर स्टिल नॉट रेडी. ठीक है ना, तो आपके तरफ वो दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे ज़रूर. यू हैव द फ्रेंडलीनेस कार्ड हियर, सो दिस इज़ द बैलेंस कार्ड. वो चाहेंगे कि चीज़ों को स्टार्टिंग से स्टार्ट करें. ठीक है, रिसेप्टिविटी, वी हैव माइंड एंड वी हैव लेट गो. एग्जैक्टली, बट देन आप तुरंत ही इस पर्सन के एनर्जी से आप रियलाइज़ करोगे कि नहीं, ये शायद हमारे साथ आने का टाइम नहीं है एंड आई रियली नीड टू फोकस ऑन माई सेल्फ. क्योंकि इस पर्सन के आते ही आपकी एनर्जी फिर से बिगड़ जाएगी. ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों के तरफ जो पर्सन आ रहा है वो अभी भी बहुत टॉक्सिक है. ठीक है, और आप में से कुछ लोगों के तरफ जो आपके पार्टनर्स आ रहे हैं वो एक्चुअली अपने आप को सुधारने के लिए तैयार है. इट्स लाइक वो दे हाफ वे डूइंग देयर वर्क, लाइक आधा ऑलरेडी काम हो चुका है और बाकी का वो आपके साथ कंप्लीट करेंगे. ठीक है ना, तो यूज़ योर डिसर्नमेंट. सब यहाँ पर दो हिस्सों में ये रीडिंग बढ़ चुका है. आपके तरफ गाइडेंस भी है, सो यू विल नो व्हाट यू हैव टू चूज. ओके, वाटर साइंस, आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे. टेक केयर.